एक आपके चचा जी आके पता नहीं हमारे कोई नई मुसीबत खड़ी कर जाते। अब ये नई व्यथा पता नहीं कहाँ है, आपके घर से शुरू हुई है, घूमते घूमते हमारे घर में आग पहुंची है। अरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा, अरे 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 यार, अरे दादा, और भैया तिवारी और भैया विभूति, कौन सा रायतू फैला रहा है यार? दरोगा जी, बहुत बड़ा रायता फैल गया है। अरे कौन सा रायतू फैल गया है यार, तनक हम उनको बता दो, आखिर हम जाए इलाका के दरोगा हो रही है। दरोगा जी, आप ये भूत प्रेत में विश्वास करते हैं क्या? ना ना, ये तो खुद ही बहुत बड़े वाले भूत हैं। तुम्हारी सशस्त्र हम सशस्त्र में भूत लग रहे हैं, भूत लग रहे हैं हम तुम्हें। इन्हें छोड़िए, ये बताइए कि आप भूत प्रेत विश्वास करते हैं कि नहीं करते? अरे यार ना ना, हम नहीं करते सशस्त्र, बिल्कुल नहीं करते। अरे तुम्हें हम एक बार की बात बता रहे, एक चोर को पकड़ने के चक्कर में हम सीधे सीधे कब्रिस्तान में घुस गए, रात भर भटके ससुर, लेकिन मजाल है हमारे पास भूत फटक जाए ससुर। भैया जी, कितने बड़े वाले भूत है जी, दरोगा जी देखा आपने? तो तुम ससुर अपना मुंह बंद कर लो, हम कसम से कह रहे हैं, हम धोखे में अगर भूत बन गए ना तो को सारे कच्चू चबा जाएंगे। लौटो, यहाँ मजाक नहीं हो रहा है, चोंच बंद रखो अपनी। अरे यार इनकी छोड़ो जी ससुर लफंडर, तुम और जो बताओ, तुम अचानक ससुर भूत प्रेत के पीछे काय पड़ गए हो? अरे हम पीछे नहीं पड़े हैं, ससुर भूत पीछे पड़ा है। अरे यार तिवारी, तुम यार काय को इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हो, हम तुमसे कह रहे हैं ना, जो भूत भूत कुछ नहीं हो तो यार, बस आदमी के अंदर को बहम होते हुए। जो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं आप दरोगा जी, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, वरना आप सोचो जब इंसान मरता है तो उसके शरीर से निकल कर आत्मा कहाँ जाती है? अरे यही भटकती है वो। अच्छा तुमने डॉक्टर साहब कहूं आत्मा देखिए का कैसी होती है? मैं इंसानों से ज्यादा आत्माओं के संपर्क में रहता हूं, क्योंकि बेसिकली मैं तांत्रिक हूं। ये आदमी काम कर रहे थे वारे जी। अरे डॉक्टर साहब जी, तुम फालतू के अंधविश्वास की अफवाहें ना फैलाओ, नहीं तो हम ये अंधविश्वास की अफवाहें फैलाने के चक्कर में तुम्हें दबोच लेंगे और थाने ले जाएंगे स्कूटर पे। कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, जो सच है मैं वही बता रहा हूं। अरे समझाइए ना इन्हें, हम भी समझा रहे हैं लेकिन इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। कौन सी बात भैया? डॉक्टर साहब, कुछ घटनाएं मेरे घर में घटी, उसके बाद कुछ घटनाएं तिवारी जी के घटी, जो घटनाएं 100% किसी तरफ इशारा कर रही हैं। किस तरफ? अरे भूत प्रेत की तरफ, और किस तरफ। अरे यार तुम्हें एक, तुम और हम कह रहे हैं ना यार, 10 बार कह रहे हैं ससुर जी भूत प्रेत कुछ नहीं होते यार, खुद पागल हो रहे हो और हमें पागल कर रहे हो। सर हमने तो किक मारी नहीं है, जो स्टार्ट कैसे हो गो? अरे दादा, आप लोग सही कह रहे हैं, इस कॉलोनी में जरूर बहुत कोई खतरनाक चीज आई है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, रात को मैं आपके घर आता हूं और देखता हूं ये क्या बला है। डॉक्टर साहब पहले इन्हें देखिए, दरोगा जी टाइम तो नहीं बोल गए? दरोगा जी होके निकल गए। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर, ए रुक, ए रुक, ए रुक,
सवाल। इस तरह छुप के वार करने में कोई बर्दाश्त नहीं है।